शहर से दूर प्रीतम नाम का एक गांव था। गांव के आसपास घना जंगल था और एक बड़ा सा गड्ढा था। उस गड्ढे पर एक कच्चा फूल बना हुआ था। लोग उसी फूल से उस गांव तक जाते और आते थे। उसके अलावा उस गांव तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। गांव के लोगों का मानना था कि उस फूल पर किसी भूत का साया है, इसीलिए वह लोग कभी भी रात के समय वहां से नहीं गुजरते थे। एक रात सरपंच का साला संजय उस फूल से गुजरा। दीदी के घर पहुंचने में देर हो गई, अब वापस भी नहीं जा सकता। डर लग रहा है फूल से गुजरने में, चुपचाप तेजी से चलता हूँ। संजय जैसे ही पुल पहुंचा, उसे एक मधुर संगीत सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि मधुर संगीत उसे अपनी तरफ बुला रहा है। संजय उस मधुर संगीत के पीछे पीछे चल पड़ा और दोबारा लौटकर कभी नहीं आया। अगले दिन संजय को तो पता था कि रात के समय पुल से नहीं गुजरना है, फिर भी वो इतने रात में क्यों आया होगा? और अब कहीं मिल भी नहीं रहा है। घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? लगता है पुलिस को कहकर छानबीन करवानी होगी। पुलिस ने आकर बहुत छानबीन की और संजय नहीं मिला। इस तरह कुछ ही दिनों में गांव के चार लोग गायब हो गए। एक दिन सरपंच का बेटा राज गर्मियों की छुट्टियों के लिए गांव आया। गांव में पहुंचकर राज को गायब हुए लोगों के बारे में पता चला। ऐसा कैसा हो सकता है कि लोग गायब हो रहे हैं? जरूर कुछ झोलझाल है, मैं जाकर पता करता हूँ। राज बेटा, उस पुल से तेरा मामा भी गायब हो गया है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। मैं नहीं चाहती तुम उस तरफ जाओ। शाम होने तक कोई भी वहां से आए जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन रात के समय वहां से आना जाना खतरे से खाली नहीं। पर माँ, पता तो लगाना ही होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों गायब हो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं पता लगाना। जो हो गया सो हो गया, तू वहां नहीं जाएगा, बस मैंने कह दिया। ठीक है, अच्छा माँ, नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, अब खुश। राज ने माँ को मना तो कर दिया, पर उसके मन में बेचैनी रहने लगी। वह अक्सर दिन के समय उस पुल पर जाकर देखता कि शायद उसे कोई सुराग मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। एक रात अपनी जिज्ञासावश राज रात के समय उस पुल पर गया और वहां घूमने लगा।
अरे इतना मधुर संगीत कौन बजा रहा है? ऐसा लग रहा है कि यह संगीत मुझे बुला रहा है, पर यह जाल भी हो सकता है। चौकन्ना रहना होगा मुझे। राज अपने आप को संगीत का पीछा करने से रोक ना सका और उस तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक भयानक भूत दिखाई दिया। भूत को देखते ही राज ने जादुई किताब पढ़ना शुरू कर दिया और अपने गले से एक जादुई लॉकेट निकालकर उसे भूत की तरफ बढ़ा दिया। भूत चिल्लाने लगा। राज ने आगे बढ़कर उस लॉकेट से भूत को छू दिया। जैसे ही उस लॉकेट ने भूत को छुआ, भूत गायब हो गया। राज समझ गया अब भूत से निपटने का यही एक उपाय है। उसने ये जादुई किताब और जादुई लॉकेट को उस पुल पर टांग दिया। उस दिन के बाद उस गांव के लोगों को भूत ने कभी नहीं सताया। कोरोना वाली डायन, आज पूरा शहर बंद था। सभी लोग डर की वजह से अपने अपने घर में ही बंद थे। यहाँ तक कि आज स्कूल, कॉलेज और सबकी छुट्टी थी, क्योंकि शहर में कोरोना वाली डायन घूम रही थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में लॉकडाउन का माहौल था। आज कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए राहुल जरा देर से सोकर उठा। माँ, नाश्ते में क्या बना है? कुछ स्पेशल है क्या आज? बेटा, पराठा बनाया है। क्या माँ, फिर से पराठे? माँ, आपको तो पता ही है ना, मैं पराठे नहीं खाता। मुझे ब्रेड ऑमलेट बहुत पसंद है, मुझे वही चाहिए। बेटा, आज सब बंद है ना, इसीलिए अंडे नहीं आए। राहुल यह बात सुनकर झल्ला उठा। सब लोग इस कोरोना से डरते क्यों है? इस कोरोना वाली डायन को जंगल में छोड़ के आना चाहिए। नहीं बेटा, इसे हराना इतना आसान नहीं है। यह बहुत ही भयानक और डरावनी है। साथ ही यह जिसके भी पास चली जाती है या जो भी इसके पास जाता है, ये उसे भी डायन या भूत बना देती है। ऐसी डायन से सबको बचना ही चाहिए। अरे माँ, डायन चुड़ैल सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी को छूने से डायन बन जाता है क्या? यह तो वही बात हुई कि डॉक्टर अगर किसी को हाथ लगाए और वो भी डॉक्टर बन गया, वकील ने हाथ लगाया तो वकील बन गया, और डायन ने हाथ लगाओ। ऐसा नहीं होता है माँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। माँ, आज पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी कम है क्या? टंकी में पानी नहीं है? हाँ बेटा, आज पानी नहीं आया। लगता है जल विभाग वाले भी कोरोना के डर से काम पर नहीं आए। ओहो, कितनी डरपोक दुनिया है। खैर छोड़ो। अच्छा, मैं अभी अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आऊंगा। घर में मेरा मन नहीं लग रहा है माँ। बेटा, इस समय घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में बैठकर कुछ भी करो, फोन पर गेम खेलो, टीवी देखो, कैरम बोर्ड खेलो, कुछ भी करो, मेरी मदद करो काम में। आज काम वाला भाई भी नहीं आई। माँ, यह सब घर के काम मुझसे नहीं होते, मुझे तो बाहर ही जाना है, वरना मैं घर में बैठा बैठा पागल हो जाऊंगा, और मैं ये कोरोना वाली डायन से डरता नहीं हूँ। राहुल ने अपनी माँ की एक ना सुनी और घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सड़कें सुनसान और कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। अरे वाह, आज तो बाइक चलाने का मजा ही आ गया। इतनी खाली सड़कें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अच्छा हुआ बाहर आ गया मैं, वरना इतनी खाली सड़कें का मजा लेना मेरे बस की बाहर था।
राहुल ने झट से अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा हवा से बातें करता हुआ। वाह, मैं पिछले 2 साल से बाइक चला रहा हूँ, लेकिन इस शहर की गलियों में इतनी स्पीड से कभी पाया। आज तो मजा ही आ गया यार। तभी एक मोड़ पर एक पुलिस वाले ने राहुल को रोक लिया। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? राहुल रुक गया। जी, वह मेरा दोस्त बीमार हो गया है और वह अकेला है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और साथ में खाना भी दे आऊंगा। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त, कहाँ रहता है? सर, वो SBC नगर में रहता है। ठीक है, जाओ। राहुल मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में राहुल वरुण के घर पहुंच गया। वरुण तब तक सो ही रहा था। वरुण, क्या हुआ, तुम अभी तक सो रहे हो? हाँ यार, काम तो कुछ नहीं है, सोचा नींद ही पूरी कर लूं। अरे छोड़ ये नींद, चल देख बाहर सड़कें कितनी खाली है। बाइक चलाने में इतना मजा आएगा, तू पागल हो जाएगा। चल एक लंबा राउंड मार के आते हैं। अरे क्या बात कर रहा है तू, मैं नहीं आऊंगा, मेरी माँ ने मना कर दिया है बाहर निकलने से। ओके, तू रहे घर में बैठ के, मैं तो जा रहा हूँ। राहुल उसके घर से बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट की। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा, उसके सामने एक बड़ी सी डायन लाल आंखें वाली उसके तरफ देख रही थी। राहुल जब तक उसके पास पहुंचता, उसने राहुल को छू लिया। उसके छूते ही राहुल की भी आंखें लाल हो गई और उसके चेहरे पर वही शैतानी छा गई थी। और कोरोना वाली डायन जोर जोर से हंसने लगी। राहुल काफी डर गया था और भागकर अपने घर पहुंच गया। माँ, माँ, मुझे बचाओ, देखो मुझे क्या हो गया, देखो माँ। राहुल, तुम भूत बन चुके हो। लेकिन राहुल की माँ दरवाजा नहीं खोलती। राहुल ने अपने चेहरे को बाइक के शीशे में देखा और जोर जोर से रोने लगा। देखा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, घर से बाहर मत निकलो, वरना कोरोना वाली डायन तुम्हें अपना शिकार बना लेगी, तुम भूत बन जाओगे। राहुल ने तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आप सब लोग मेरी बात मानिए और अपने घरों में ही रहिए, क्योंकि कोरोना वाली डायन अभी भी शहर में घूम रही है।